subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. तो सिल्वर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है 55,131 पे, लगभग 280 पॉइंट लॉस के साथ. और यहाँ जो है, तो जैसे मैंने कहा था, हमारे निचले दो टारगेट अच्छे हो चुके हैं. अभी अगर यहाँ ब्रेकडाउन आता है तो हमें 49,000 का भी लेवल अचीव करते हुए दिखेगा सिल्वर. यहाँ मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो इस मंथ के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 6.5% लॉस के साथ. और ये फोर्थ मंथ होगा सिल्वर के लिए जो लॉस के साथ बंद होगा. इन चार महीनों में हमने सिल्वर को लगभग 71,000 से 55,000 तक आते हुए देखा है. और यहाँ अगर ब्रेकडाउन आता है, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं जो 50 मंथ का एवरेज है उसके अराउंड, अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो ये मेजर ब्रेकडाउन होगा और आपको जो है तो 49,000 और उसके नीचे के लेवल भी सिल्वर दिखा सकता है. तो यहाँ क्रिटिकल लेवल पे खड़ा है और मोस्टली हमें ब्रेकडाउन देखने की ज़्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. मगर ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपको जो है तो सिल्वर एक अच्छे लेवल पे खरीदने को मिलेगा. तो 49 और उसके नीचे जो है तो आपको धीरे धीरे एक्युमुलेट करना है सिल्वर में. आपका जो टारगेट रहेगा लॉन्गर टर्म टारगेट, वो लाख से 1.5 लाख रुपये का रहेगा सिल्वर में. तो आपको 49 और उसके नीचे जो है तो धीरे धीरे सिल्वर में ऐड करना है. अभी सिल्वर का ETF भी अवेलेबल हो चुका है इंडिया में, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. वैल्यू बाय लेवल जो रहेगा वो 49 से लेकर उसके नीचे कल जो लेवल रहेगा वो वैल्यू बाय लेवल रहेगा फॉर सिल्वर. और उसका टारगेट रहेगा लाख से 1.5 लाख रुपये आने वाले 3 से 5 सालों में. और यहाँ जो है तो हमारे जो निचले टारगेट थे वो अचीव करने के बाद अभी जो एक ही टारगेट बचा है वो 49,000 का है. और वो भी मुझे लगता है कि ये ईयर एंड तक शायद अचीव होना हो जाना चाहिए. तो मंथली चार्ट पे हमने देखा करेक्टिव पैटर्न अच्छे से पैन आउट हुए, निचले टारगेट अचीव कर लिए सिल्वर ने. अभी जो है तो लास्ट टारगेट की तरफ बढ़ रहा है. ऑन वीकली चार्ट अगर देखोगे तो हम जो है यहाँ ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुके हैं. हम 200 वीक का जो एवरेज है उसको ब्रिज कर चुके हैं. तो यहाँ सेल ऑन राइज भी हो रहेगा सिल्वर पे. आपको जो है तो जब तक सिल्वर 56,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक आपको जो है तो सेल ऑन राइज भी रखना चाहिए. आपका जो टारगेट रहेगा बड़ा टारगेट वो रहेगा 49,000 के अराउंड. तो जब तक ये 56,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है आपको जो है तो इस पर बेयरिश रहना है, टारगेट 49,000 का. और आप देख रहे हो तो लगभग लास्ट 8 से 9 वीक से हम जो है तो नीचे ही बंद हो रहे हैं सिल्वर पे. तो किस तरह से ये प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं. लास्ट इस वीक जो है तो सिल्वर जो है तो लगभग 1% नीचे बंद हुआ है 450 रुपये के लॉस के साथ. लास्ट वीक हमने 3% का लॉस देखा था, लगभग 1550 रुपये का लॉस के साथ सिल्वर बंद हुआ था और उसको ही कंटिन्यू सिल्वर कर रहा है. तो यहाँ क्लियर कट जो है तो लिक्विडेशन चालू है. और जो स्टॉक मार्केट और बाकी के मार्केट में जो मार्जिन कॉल ट्रिगर हुए हैं उसके वजह से प्रेशियस मेटल में जो है तो लिक्विडेशन आ रहा है. और भी जो इन्फ्लेशन फ्रंट पे थोड़ा सा सॉफ्टनिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी यहाँ अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है. तो यहाँ जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा. और जब तक सिल्वर 56,500 के नीचे है तब तक आपको बाय बिल्कुल नहीं करना है, आपको सेलिंग के ही मौके ढूंढने हैं. और जो आपका मेजर टारगेट रहेगा वो 49,000 का रहेगा. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने सभी टारगेट अचीव कर लिए हैं और अभी जो है तो ओवरसोल्ड रीजन में ट्रेड कर रहे हैं विद अ वेरी बेरिश बायस. तो यहाँ जो है तो सुपर बेरिश लग रहा है सिल्वर. और जब तक ये 55,700 का लेवल क्रॉस नहीं करता है ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस तब तक आपको जो है तो इस पे वीकी या फिर सेलिंग का ही व्यू आपको जो है तो रखना है. ये अगर 55,700 के ऊपर क्लोज करता है तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ. अगर नहीं करता है, उसके ऊपर नहीं आता है, तो आपको यहीं से ही ब्रेकडाउन, फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा सेल ऑफ जो है तो इसको 53, 51 और 49 के लेवल की तरफ लेकर जा सकता है. तो हर 2000 पॉइंट पे आपको एक एक छोटे छोटे टारगेट रखने हैं. आपका जो स्टॉप लॉस है या छोटा स्टॉप लॉस है आपको 55,700 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है अगर आप अभी शॉर्ट पोजीशन लेते हो. अगर मेरा व्यू पूछोगे तो अभी यहाँ जो है तो मैं वेट एंड वॉच करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जो है तो सडन शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है. तो यहाँ मेरा वेट एंड वॉच रहेगा.
एक बार बाउंस बैक आ गया और उसके बाद में फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगी, तब हम इस पे शॉर्ट जाएंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 49,000 का रहेगा। अभी बहुत ही ओवरसोल्ड रीजन में सिल्वर, तो यहाँ मेरा नो ट्रेड का फंडा रहेगा। जिनको ट्रेड करना है उनके लिए स्ट्रिक स्टॉप लॉस है 55,700 के ऊपर। नीचे जो टारगेट रहेंगे वो 53, 51 और 49 के रहेंगे। अगर ये 55,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो इसको लेकर जा सकती है 57,500 से लेकर 59,000 के लेवल की तरफ। तो अभी तो मेरा इस पर कोई व्यू नहीं है, इसमें हम सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। ट्रेड मुझे लगता है कि ट्रेड हम लेंगे, अगर रिकवरी आती है तो उस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल के लिए शॉर्ट साइड पे जो ट्रेड करना है वो भी बहुत ही मुश्किल हो सकता है। स्टॉप लॉस हालांकि छोटा है मगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ओवरसोल्ड है, हेवीली ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से बाउंस बैक अगर आता है तो, या फिर शॉर्ट कवरिंग आती है तो वो बहुत ही शार्प रहेगी और शॉर्ट कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है ऑन पोजिशनल बेसिस। तो यहाँ मेरा जो है तो नो ट्रेड जोन है, हम बाउंस बैक होने देंगे इसको और उसके बाद में फिर से शॉर्ट जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको जो है तो ईयर एंड तक 49 या फिर उसके नीचे के भी लेवल सिल्वर दिखा देगा। करंटली सिल्वर इज नो ट्रेड इन नो ट्रेड जोन फॉर मी। सिर्फ यहाँ जो है तो अगर रिकवरी आती है तो उस रिकवरी रैली में हम पार्टिसिपेट करेंगे ऑन लॉन्ग साइड, वो भी इंट्राडे बेसिस पे, नॉट ऑन पोजिशनल बेसिस। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में श्योर शॉट कम्युनिटी कॉल चाहिए तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।